अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीखकर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। इस चैनल पर मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चाहे हार्डवेयर से संबंधित हो या सॉफ्टवेयर से, मुझे कॉल या व्हाट्सअप करिए और सॉल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज आप सभी लोगों के लिए नया क्या है। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और काम करने में आसान हो इस तरीके का एक मैं प्रोजेक्ट बना करके लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं खुद एक लंबे अरसे तक मिक्सिंग करता आया हूँ और मैं समझता हूँ कि मिक्सिंग करने में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं सामने, किस किस तरीके के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और मार्केट में अब उस हिसाब से पैसे नहीं रह गए मिक्सिंग के जिस हिसाब से पहले हुआ करते थे। फोटोग्राफर की संख्या अधिक हो गई है, वीडियो मिक्सिंग करने वाले लोगों की संख्या अधिक हो गई है। तो अब इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा करके काम करते हैं तो उसके हिसाब से हमें मजदूरी नहीं मिलती है। ठीक है, मतलब ये कि कम से कम समय में हम जितना बेहतर और जितना जल्दी काम दे सकते हैं उसी में हमारी समझदारी है। दोस्तों, मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। वो प्रोजेक्ट इस तरीके का है कि आप 3 घंटे की शादी अधिक से अधिक 1 घंटे में आप उसे एडिट कर लेंगे। जी, आज उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि उस पर काम कैसे करना है, उस पर एडिट कैसे करनी है और कितने तेज़ी से काम हो सकता है, गाने कितने हैं, प्रोग्राम उसमें कौन कौन से बन सकते हैं। इन सारे बिंदुओं पे हम बात करेंगे और एक दूसरे से समझेंगे। चलिए सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं जो आज आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। ये हमारा वो प्रोजेक्ट जो मैंने रिसेंट में अभी ओपन करके बना रखा है, प्ले एडिट सॉल्यूशन ऑनलाइन प्रोजेक्ट वॉल्यूम 1। हम इसे ओपन करते हैं। दोस्तों, ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन होकर के तैयार है EDS में। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें मैं आप लोगों को बता दूं, जो विशेषताएं हैं और इसमें कौन कौन से प्रोग्राम एडिट हो सकते हैं, शादी के गाने कितने हैं, इन सब के विषय में आप लोगों को जानकारी देना मैं जरूरी समझता हूँ। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि एक शादी फंक्शन में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, सगाई से लेकर के हल्दी, तिलक, लड़के के नहाने से लेकर के बारात रास्ता, जयमाला, गर्ल एंट्री, एक भसूर का भी कार्यक्रम होता है जिसमें भसूर आते हैं मंडप के अंदर, उसके बाद फेरे, हस्तमिलाप, सिंदूरदान, विदाई वगैरह वगैरह, मैंने सारे यहाँ पे प्रोग्राम को ऐड कर दिए हैं। ये मैंने इसलिए ऐड किए हैं दोस्तों कि आपको बार बार यहाँ से जा कर के इम्पोर्ट सीक्वेंस के अंदर से आपको गाना इम्पोर्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो ये मैंने बवाल काट दिया कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाता था इम्पोर्ट सीक्वेंस में जाना, फिर गाना को ढूंढना, फिर उसको इम्पोर्ट करना, फिर उसमें इम्पोर्ट होने में टाइम लगता था, फिर उसको कॉपी करके पेस्ट करना, तो ये एक लंबा प्रोसेस होता था। मैंने इसका एक तोड़ निकाल दिया है कि मैं जितने भी प्रोग्राम के गाने हैं मैंने एक जगह एडजस्ट कर दिए हैं फोल्डर बना करके। ये थोड़ा टाइम तो लगा है दोस्तों मुझे, लेकिन मैंने इसे यहाँ एडजस्ट कर दिया और इसमें एक एक प्रोग्राम के अंदर कई कई गाने हैं। जैसे मान लीजिए अभी कथा हो रहा है शादी से पहले, तो कथा कितने देर का होगा, अधिक से अधिक आपका 10 मिनट का होगा। 10 मिनट दिखाना होता है, पूरी कथा तो हम लोग दिखाते नहीं हैं, ना ही कोई देखना चाहता है, बोरिंग हो जाती है, तो 10 मिनट का कथा होता है। मैंने इसमें 5 गाने आपको दिए हैं, 5 गाने मतलब हो गए, अगर 5 मिनट के गाने हैं तो 25 मिनट, अगर 4 मिनट का हिसाब लगा लें तो भी 20 मिनट। ठीक है, तो आराम से आपका एक कथा आपका एडिट हो जाएगा। और उसके बाद लड़के से संबंधित सॉन्ग है, लड़की से संबंधित सॉन्ग है, सगाई से संबंधित सॉन्ग है, तिलक के भी गाने हैं, मेहंदी के गाने हैं, हल्दी के गाने हैं, ठीक है, नहान वगैरह और कपड़ा पहनने के ऊपर भी गाना है, बारात रास्ता के ऊपर गाना है दोस्तों, और वेलकम यानी कि जब बारात दरवाजे पे पहुंचेगी वहाँ के लिए सॉन्ग है, जयमाला और स्टेज के लिए भी गाने हैं। ठीक है, गर्ल एंट्री के ऊपर गाना है, जब लड़की मंडप में आकर के बैठेगी वहाँ के लिए गाना है, जब इमली वगैरह उनको मुंह में कटवाया जाता है, जो मामा आकर के कटवाते हैं, उसके ऊपर भी जो गाने लगते हैं वो गाना मैंने। अब तक क्या था कि आपने देखा होगा YouTube पे बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्ट तो लेकर के आए, मैं भी लेकर के आया हूँ, आता भी हूँ, लेकिन ऑनलाइन प्रोजेक्ट का पूरा प्रॉपर पैकेज ये अभी तक किसी ने नहीं लेकर के आया था। और मेरे से बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके और व्हाट्सएप पे कमेंट करके बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर कुछ ऐसा करिए कि सारे गाने का मेल हमारे पास इकट्ठा हो जाए
और बार बार ये हो नहीं पाता तो बड़ा दिक्कत होता है काम करने में, और गाने का पूरा मेल नहीं मिल पाता, और पूरा मेल अभी तक YouTube पे किसी ने नहीं लेकर के आया। तो कुछ आप ऐसा व्यवस्था करो सर कि आपके चैनल पे ये सारा मिल जाए और हम लोग आसानी से अपनी एक शादी को एडिट कर सकें। वो बात मेरे दिमाग में थी दोस्तों, और मैं उस पर लगातार काम करता रहा, और काम करके आज मैं फाइनल इसको लेकर के आया हूँ। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बड़ा उत्सुकता से इसका इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि हाँ इस तरीके का कुछ मिल जाए। भाई जिनके पास डोंगल नहीं है या जो डोंगल पे नहीं काम करना चाहते हैं, डोंगल पे ईरर बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों। ईरर क्यों आता है इसके विषय पर भी अभी हम बात करेंगे, आपको हम बताएंगे कि आखिर कारण क्या है कि डोंगल पे जब हम शादी एडिट करते हैं 8-10-20 गाने जब हम खोल लेते हैं, या कोई 20-25 GB की एक शादी उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके जब हम एडिट करने लगते हैं, तो चलते चलते जब हम कुछ आगे पहुंचते हैं तो वो गोल गोल घूमने लगता है कर्सर। फिर अगर उस पर आपने टाइप कर दिया तो वो क्लोज द प्रोग्राम या क्रैश प्रॉब्लम, ये क्रैश हो जाता है EDS। क्यों हो जाता है डोंगल पे ही क्यों होता है, इसके पीछे का जो कारण है वो कारण मैं आज खोल करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये बगैर डोंगल का है, इस पर कोई डोंगल नहीं लगाना है आपको। जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल पे कोई डोंगल का काम नहीं है, तो ये ओपन प्रोजेक्ट है और इसको आप बगैर डोंगल के चलाएंगे। बगैर डोंगल के चलाएंगे मतलब आपको ईरर का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी क्रैश प्रॉब्लम नहीं आएगी। i3 i5 i7 कोई भी मशीन रखें आप, आसानी से एडिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर लेयर पर मैंने काम नहीं किया, और दोस्तों इस पर एडिटिंग है, मिक्सिंग वाला वो जो ओवरले इफेक्ट होता था ऊपर से ग्राफिक वगैरह घूमना, या वो पुराने ज़माने वाला इफेक्ट, वो झरना नाला पहाड़ कौवा चिड़िया, वो सब ज़माना आपको सभी लोगों को पता है, वो ज़माना लद गया दोस्तों, ख़त्म हो गई। वो जिनके पास मिक्सिंग था वो उन्होंने मिक्सिंग बंद कर दिया। अब आ गया है ज़माना कट टू कट काम का, ठीक है। टोटल एडिट वाला काम चाहिए आप लोगों को दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ एक दो कार्यक्रम में किस तरीके से आपको बनाना है। ये देखिए ये बड़ा फेमस गाना है, मैं गाना तो बजा करके नहीं सुना सकता लेकिन यहाँ गाना पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 2-3 वर्जन आए थे, मैंने 2 वर्जन पे बना करके आपको दिए हैं, ठीक है। आइए मैं इस पर एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। दोस्तों गर्ल एंट्री का ये प्रोग्राम है, बस हम सिर्फ गर्ल एंट्री तक का ही क्लिप लेंगे। मैं इसे एडिट करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। हम यहाँ पे फुटेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, फाइनल पे चले आएंगे, और ऑडियो में कर देता हूँ म्यूट, और आप सिर्फ डिज़ाइन देखिए। बड़ा कर देता हूं मैं इसे, टाइमलाइन पे प्ले हो रहा है दोस्तों, थोड़ा जाम चलेगा। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अब जो पहले काम चलता था ना, वो ओवरले इफेक्ट वगैरह ऊपर से जो ग्राफिक वगैरह घूमते थे, अब वो काम ख़त्म हो गया दोस्तों। अब लोगों को इस तरीके का काम चाहिए जो अभी आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको ये एडिट काम है, ये एडिटिंग इसको कहते हैं। और आप एकदम सावधानी से काम करेंगे, जितने भी जर्क हैं वीडियो में वो अगर कटिंग करके बेहतर तरीके से फुटेज आप लगा करके आप काम करते हैं, तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो आपके काम को पकड़ करके ये बता दे कि हाँ ये मैनुअल काम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सावधानी चाहिए और बेहतर काम आपको करने का आदत डालना होगा, ठीक है। कट टू कट काम कैसे करते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा और बता भी रहा हूँ। तो आपको जो भी फुटेज ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वो जर्क नहीं होना चाहिए, उसे हम चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे, जब हम फुटेज यहाँ पर डालेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों, तो उसी समय हम फुटेज को रन करके यहाँ पर चेक कर लेंगे, और अगर हम देखेंगे कि हाँ कहीं से ख़राब है फुटेज हमारा, तो उसे हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। जो हमारा फुटेज ख़राब होगा हम उसे इस तरीके से डिलीट कर देंगे, और जो सॉलिड फुटेज है हम वही इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। फाइनल पे आएंगे तो हमारा सारा एडिट हो चुका रहेगा। दोस्तों ये तो बात रही एडिटिंग की, कुछ डिज़ाइन है और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें और भी डिज़ाइन है, सेकंड गाना फुटेज हम वही यूज़ करेंगे। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे सीक्वेंस पे, तो एक हमारा और सीक्वेंस खुल जाएगा। करना कुछ भी नहीं है हमें, हमें सिर्फ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम फाइनल पे आएंगे और हमारा प्रोग्राम एडिट हो चुका रहेगा। आइए फिर से हम ऑडियो म्यूट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का अब इफेक्ट चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जो VIP पार्टी होती है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा
फ्रेम बॉर्डर पसंद नहीं करती है, बहुत ज़्यादा क्या वो फ्रेम बॉर्डर पसंद ही नहीं करती है। फ्रेम और बॉर्डर के अंदर अगर आपका वीडियो आ गया क्रॉप हो करके तो वो कैसेट लगभग कंप्लेन आना तय है। ठीक है, ये देखिए, ये इफेक्ट देखिए दोस्तों। तो अब इस तरीके के इफेक्ट चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे। ठीक है, मास्किंग इफेक्ट वगैरह ये सब ज़्यादा चलते हैं। मैनुअल बनाने लेंगे दोस्तों तो बहुत आपको टाइम लग जाएगा और आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप जब बनाने पे रह जाएंगे मैनुअल तो आप पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, ये सारा बीट पे काम है दोस्तों। ऑडियो जब इस पे प्ले करके आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, टोटल बीट पे काम है ये। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। इफेक्ट की वजह से बफरिंग नहीं हो पा रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये है प्रोजेक्ट और इस तरीके से ये डिज़ाइन है, आप देख पा रहे होंगे। ये टोटल बीट टू बीट काम है, ये देखिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है कि वो जो ज़माना था फ्रेम बॉर्डर वाला, वो काम मैंने बिल्कुल काट दिए हैं। अब मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बिल्कुल सोबर और साफ़ सुथरा काम। ठीक है, तो अगर ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करिए, और बाकी के जो इसके प्रोसेस हैं, प्रोजेक्ट को कैसे बाय करना है वगैरह वगैरह, वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर सारा कुछ है, तो आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि शुरू से इसमें मैं बता दूं कि आपको काम कैसे करना है, तो मैं इसके लिए सबसे पहले सारे जितने भी सिक्वेंस खुले हुए हैं मैं उसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद क्या है दोस्तों, काम करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को आप पूरा उठा करके बिन में डाल देंगे, जो सबसे आसान तरीका है मैं वो बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, वीडियो बिना स्किप के देखिए, आप बहुत जल्दी काम सीख जाएंगे और बहुत कम समय में, बहुत कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। मैं ऐसा प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम फुटेज लोड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। वीडियो को हम ऑल सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए के मदद से और राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है सेट एज सिक्वेंस, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये सारा हमारा एक सिक्वेंस के अंदर सेट हो जाएगा। करेंगे क्या, हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मैंने यहाँ पे सारा कुछ ऐसा बना दिया है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। दो लेयर मैंने ऑडियो के दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्यों दे रखे हैं इसके पीछे का भी मैं अभी कारण आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे एक मास्टर के नाम से टाइमलाइन है और एक ओरिजिनल के नाम से टाइमलाइन है, क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा जो कार्यक्रम है, समझिएगा बात को, ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये मान लेते हैं कि ये स्टार्ट हो रही है, ये कथा हो रहा है। कथा में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारा एक इस तरीके से एक सीक्वेंस खुलेगा। खुलने के बाद क्या करेंगे, इसे हम आल सेलेक्ट कर लेंगे। आल सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और वापस अपना प्ले एडिट वाले में आएंगे, जिसमें मैंने ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर रखा है। नीचे वाले टाइमलाइन पे जो ऑडियो का दो टाइमलाइन है, किसी भी एक टाइमलाइन को हम हाईलाइट करके उस पर कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल वी करने से पहले, पेस्ट करने से पहले दोस्तों, ये हमारा इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड, ये हमारा ध्यान देना है कि हमारा ये रेड कलर पे होना चाहिए, नहीं तो हम पेस्ट करेंगे तो हमारी वीडियो आगे चली जाएगी। ठीक है, खिसक जाएगी। तो ये पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में आएंगे, एक कट लगाएंगे। और इस वीडियो को उसके अंदर पेस्ट कर देंगे डबल क्लिक करके। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा पूरा वीडियो उस सीक्वेंस के अंदर चला गया है और एडिट हो चुका है। हम ऑडियो म्यूट कर देते हैं और आपको डिज़ाइन दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा एडिट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एडिटिंग कैसे करनी है इसमें। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें आपको एक बहुत ही ख़ास चीज़ मैं लेकर के आया हूँ इसमें, क्योंकि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आदमी को झेलना पड़ता था कि शादी तो वो बना लेते थे, पर जो गर्ल और बॉय के जो फुटेज कपल खींचे जाते थे, वो प्रोग्राम में कैसे एडिट करना था, या प्रोग्राम में हम कैसे उसको एडिट करेंगे, या जिसको क्लोजअप सॉन्ग कहते हैं, वो क्लोजअप नहीं बना पाते थे प्रोग्राम के अंदर। तो उसके ऊपर भी मैंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं अपने, ये देखिए आप।
बहुत ही शानदार तरीके से आप उसको एडिट कर पाएंगे। मैं तरीका भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने पूरा प्रोग्राम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और आपको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, आप इसको पीछे सरका लें, ठीक है। यहाँ पे अपना जो आपने कॉपी करके लाया है सॉन्ग, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, और जितना भी कार्यक्रम इसमें है, ठीक है, गर्ल का बताता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ से डेकोरेशन स्टार्ट हो रहा है, हम इसके पीछे का लेंगे ये, ठीक है, यहाँ तक का ले लेते हैं। कट करके हम इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके इस सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे तो एक और हमारा सीक्वेंस खुल जाएगा और हम यहाँ पे इसको ओवरराइड मोड करके इसको पेस्ट कर लेंगे ताकि ये सरके नहीं, ठीक है। दोस्तों फुटेज लंबा है तो हम इसे दो गानों में भी पेस्ट कर सकते हैं, फिलहाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग सीखिए इसे, ठीक है। करना क्या है, ऑडियो में म्यूट कर देता हूँ और देखिए ये डिज़ाइन कितना बेहतर तैयार हो पाया है। ठीक है, और ये टोटल कट टू कट काम है और सारा बीट पे काम है, ठीक है। ये इफेक्ट आप देख रहे होंगे, आपको इस तरीके का इफेक्ट मिलेगा इसमें, वो फ्रेम बॉर्डर वाली इफेक्ट नहीं मिलेगी आपको। और ये गाने पे इतना शानदार मैंने बीट टू बीट बनाया हुआ है कि आपको बहुत पसंद आएगा और आप जिस कस्टमर को देंगे उस कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। तो ये है तरीका इसमें काम करने का, इसी तरीके से आप करते हुए चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपने उसमें एडिट करके डाल दिया, बात खत्म हो गई, वहाँ से आपने कट कर दिया, अब क्या करना है, आपको डेकोरेशन बनाना है। डेकोरेशन बनाना है तो हम चले जाएंगे डेकोरेशन के प्रोग्राम में, मैंने यहाँ पे दे रखा है, न्यू सॉन्ग में चले जाएंगे। डेकोरेशन के लिए आपको जो गाने चाहिए आप यहाँ से न्यू सॉन्ग में से उठा करके यहाँ पे आप कंट्रोल वी के मदद से पेस्ट कर देंगे। और क्या करेंगे, जितना डेकोरेशन है दोस्तों, ठीक है, ये जहाँ तक इसका डेकोरेशन है, हम क्या करेंगे इसको कट करके कॉपी कर लेंगे और इस पर डबल क्लिक करके हम सिर्फ और पेस्ट कर देंगे और ये हमारा सारा का सारा एडिट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये बीट पे काम है दोस्तों एकदम, ठीक है, कहीं फ्रेम बॉर्डर आपको नहीं मिलेगा, बिट टू बिट काम है। ये ऑडियो चलेगी तो अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि ऑडियो में नहीं चला सकता, आपको पता ही है कॉपीराइट आ जाती है। ठीक है, आइए इसके विषय में और जानकारी हम दे दें। इस पे डिनर पे भी गाने बने हुए हैं, रिसेप्शन पे भी हैं और क्लोजअप सॉन्ग पे भी मैंने दे रखा है, गृह प्रवेश पे जब दुल्हन घर आती है तब भी, विदाई के ऊपर भी मैंने दे रखा है, नए गाने पे है सारे, ठीक है, दिलभरो वगैरह मैंने इस पे लगाया है, परछावन होता है सुबह के समय में दूल्हे का, उस पे भी एक गाना चाहिए होता है, वो भी मैंने दिया है। मतलब ये कि दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, शादी के संबंधित, शादी से संबंधित जितने भी गाने होते हैं वो सारे गाने मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। आपको करना कुछ भी नहीं है, बस कट टू कट आपको एडिट करना है, कटिंग करके वीडियो को और उस सीक्वेंस के अंदर सिर्फ पेस्ट कर देना है, वो एडिट हो जाएगा, ठीक है, और एडिट हो जाएगा उसके बाद सारा सीक्वेंस आपको एक साथ रेंडर करा करके बाहर निकाल देना है। दोस्तों फुटेज कहाँ पे पेस्ट करनी है वो लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। आप एक फोल्डर तैयार कर लेंगे डी ड्राइव के अंदर, डी ड्राइव के अंदर फोल्डर तैयार करने के बाद उस फोल्डर का आप नाम रख देंगे प्ले एडिट फुटेज, ठीक है, और इसके अंदर आप 25 सेकंड का फुटेज कटिंग कर देंगे। कटिंग करने का जो टाइमिंग है वो 25 सेकंड है और जो फॉर्मेट है वो S.264 है, ठीक है, तो इसके अंदर आप पेस्ट कर देंगे, यहाँ से वो ऑटोमेटिक रिसीव कर लेगा। तो ये प्रोजेक्ट बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए और ये बहुत ही आसान होगा आपको शादी बनाने के लिए। दोस्तों अब एक और ज़रूरी बिंदु है, उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि आपने मेरे चैनल से या यूट्यूब चैनल से या किसी के भी चैनल से या पहले से ही आपके पास 8, 10, 20, 50 प्रोजेक्ट और भी पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट को भी आप इस पर जोड़ लें और इम्पोर्ट सीक्वेंस से आपको यहाँ से उस प्रोजेक्ट को ना ऐड करना पड़े, ठीक है, ये बहुत खास मुद्दा है, इस पर समझ लीजिएगा। मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ कि अगर पहले से आपके पास कोई 2-4 प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं डाउनलोड किया हुआ, चाहे मेरा प्रोजेक्ट हो या किसी के भी चैनल का प्रोजेक्ट हो या आपके पहले से ही प्रोजेक्ट हो बगैर डोंगल वाले, अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम ऐड कर लें और उसे हम इम्पोर्ट सीक्वेंस की मदद से ना उठाएं, तो इम्पोर्ट करने का जो तरीका है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्या करेंगे आप, सबसे पहले
जो हमारा मेन सीक्वेंस है उसको हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद दोस्तों जहाँ भी हम अपना डाउनलोड प्रोजेक्ट रखे हैं जिससे हमें इस पर ऐड करना है, उस प्रोजेक्ट के हम पास जाएंगे। बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा वो प्रोजेक्ट है जो मैंने अभी पीछे आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। आप ये पहचान भी रहे होंगे गाना, ये सॉन्ग प्रोजेक्ट मैंने आपको दिए थे। ऐड करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। करेंगे कैसे, तरीका वही है सेम। एरो पे क्लिक करेंगे, सेकंड नंबर पे आएगा आपको इंपोर्ट सीक्वेंस का ऑप्शन, इस पर करेंगे क्लिक। एक विंडो खुलेगी, यहाँ पे दोस्तों बिन पे चेक मार्क रहेगा और यहाँ पे दोनों चेक मार्क नहीं रहेगा। ब्राउज पे हम क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने उस प्रोजेक्ट को रखा है उस लोकेशन पे जाएंगे, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके और ओपन करेंगे, और ये आपका चेक मार्क होना चाहिए इंपोर्ट बिन, ठीक है। ये दोनों नहीं रहेगा, ये कॉपी करके जो दोनों आपका चेक मार्क लगाने के लिए दे रहा है ये चेक मार्क नहीं रहेगा दोस्तों, और आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ये हमारा ओपन हो चुका है दोस्तों। अभी हमें मिलेगा कहाँ, ये आएगा सबसे नीचे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये गाना हम मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पे दोस्तों हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा सॉन्ग है ये सगाई का है और इसे हम सगाई के फोल्डर में ले जा करके रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस सीक्वेंस को पकड़ेंगे और खींच करके इसे हम बिन में छोड़ देंगे। बिन में छोड़ने के बाद दोस्तों ये सीक्वेंस हमारा बिन में ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये गायब हो चुका रहेगा और हम जाएंगे सगाई के अंदर। सगाई का हमारा ये फोल्डर रहा और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारा गाना यहाँ पे आ चुका है। अब हम देखते हैं कि ये गाना हमारा काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ से हम सारे सीक्वेंस को बंद कर देते हैं और हम वापस से उस सीक्वेंस पे क्लिक करते हैं, ये हमारा खुल चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने भी आपके पास प्रोजेक्ट पड़े हों या जो भी मटेरियल आप रखे हों, जो भी प्रोजेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप इस पे ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने का तरीका बहुत आसान है, अगर ना समझ में आया हो तो आप इसे रिवर्स करके फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। और जब सब कुछ आपका बन उन करके तैयार हो जाए, जब आप अपना बना लें, सारा कुछ सेट हो जाए, तो क्या करेंगे हम, कंट्रोल के साथ एस दबा देंगे, यानी कि इसको सेव कर देंगे। तो जितना भी आपने इस पे काम किया है, एडिट किया है या बनाया है अपने हिसाब से, या आपने जोड़ा हुआ वगैरह है, तो ये सब जोड़ने उड़ने के बाद जब आप कंट्रोल एस कर देंगे तो उस पर सेव हो जाएगा। सेव हो जाने का कारण ये है दोस्तों, उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जब अगली बार आप EDS को ओपन करके अपना वो प्रोजेक्ट खोलेंगे, तो जैसे आपने उस प्रोजेक्ट को सुसज्जित किया है, बनाया है, आपको सेम उसी कंडीशन में वो प्रोजेक्ट आपको वापस मिल जाएगी। तो आप और भी गाने उस पर ऐड कर सकते हैं और भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं दोस्तों। आगे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये मल्टी यूज़र है। मल्टी यूज़र मतलब अगर आपके पास एक सिस्टम रखे हैं या दो सिस्टम रखे हैं या दो से और ज़्यादा सिस्टम रखे हैं, आप लैब चला रहे हैं, दो चार पांच कंप्यूटर रखे हैं, तो ये सारे कंप्यूटर पे काम करेगा, क्योंकि ये डोंगल पे तो है नहीं दोस्तों। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, डोंगल वाला ही सिर्फ एक सिस्टम पे चलता है, दूसरे पे नहीं चलता। तो ये बगैर डोंगल का है, या आप जितने सिस्टम पे चाहें उतने सिस्टम पे चला सकते हैं दोस्तों। इस प्रोजेक्ट से संबंधित और किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं व्हाट्सअप पे, या आप कॉल भी कर सकते हैं। और ये पेड प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसका प्राइस वगैरह सारा डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही कंप्रेस फाइल है, ऐसा नहीं है कि आपको इसको डाउनलोड करने के लिए 20-25-50 GB आपको डेटा खर्च करना है, क्योंकि टोटल सीक्वेंस पे काम है दोस्तों, कट टू कट काम है, तो कट टू कट काम में GB नहीं होता, क्योंकि जब ग्राफिक है ही नहीं है तो GB नहीं ज़्यादा होगा, ठीक है। जो लोग EDS चलाते हैं, जो EDS के पुराने कलाकार हैं, मास्टर हैं, उनको पता है कि जब आप सीक्वेंस पे काम करेंगे, जब ग्राफिक यूज़ नहीं करेंगे, तो आपका GB ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो टोटल मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये कितने GB में है, ये टोटल 3.5 GB में है, और मैंने इसे कंप्रेस करके अपलोड किया हुआ है, तो कंप्रेस करने के बाद ये टोटल 2.5 GB के आसपास है, 2.60 GB। मतलब ये कि ये 2.75 GB के अंदर अंदर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान है इसे डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों इसे डाउनलोड करिए और यूज़ करिए, और बाकी की जानकारी जो है कि आपको पेड कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, या इससे संबंधित और भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही हो, तो आप मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद भी आएगा, और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा दोस्तों। जो प्रोफेशनल एडिटर हैं, जो प्रोफेशनल काम करने वाले हैं, जिनको काम करके पैसे कमाने हैं, वही इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेंगे
या परचेज करेंगे। अदरवाइज जिनको सिर्फ सीखना है तो सीखने के लिए मेरे चैनल पे बहुत सारे फ्री प्रोजेक्ट हैं, आप वो डाउनलोड करिए, आप इस प्रोजेक्ट को ना परचेज करें, ठीक है। क्योंकि ये उनके लिए मैंने बनाया है जो शादी एडिट करके पैसे कमाना चाहते हैं और उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी ईरर का, मैंने सिर्फ उनके लिए प्रोजेक्ट को बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो जिनको इस प्रोजेक्ट के विषय में और भी जानकारी चाहिए वो कॉल या व्हाट्सएप पे मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट का पेमेंट कैसे करना है ये आप मेरे से बात करके पूछ सकते हैं, और प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से लोड कर लीजिए। बाकी की जानकारी आपको मेरे फ़ोन नंबर पे या व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ या किसी नई जानकारी के साथ या किसी नए ट्यूटोरियल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।